हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो वाज अप। तो गाइस, आज मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ और जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ गाइस, वो आप लोग भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो। सबसे पहले गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ पोकेमोन्स दिखाता हूँ। सबसे पहले म्यूटू दिखाता हूँ गाइस। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने म्यूटू हैं गाइस। तो ये सारे म्यूटू गाइस मैंने कैसे पकड़े, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने म्यूटू की बहुत सारी रेड्स की थी गाइस जब म्यूटू इवेंट में आया था। उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ और पोकेमोन, चारिज़ार्ड दिखाता हूँ गाइस। तो ये सारे चारिज़ार्ड मैंने कैसे पकड़े गाइस, मैंने पकड़े नहीं गाइस, ये मैंने इवॉल्व किए हैं। तो अगर आप एक साल से गेम खेल रहे हो तो आपके पास भी इससे ज़्यादा चारिज़ार्ड हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और इवन गाइस, मैंने चारमेंटरा कम्युनिटी डे भी खेला था। सो गाइस, ये आपके पास भी हो सकते हैं। और दिखाता हूँ गाइस मैं, ये गाइस विनसोर है गाइस, ये सब भी आपके पास हो सकते हैं। मतलब काफ़ी लोगों के पास इससे ज़्यादा विनसोर होंगे, बट जो ये वीडियो बिल्कुल नए ट्रेनर देख रहे हैं उनके पास ये नहीं तो इसके आदि तो हो ही सकते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये वाले थोड़े कम है मेरे पास बट दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये सब भी पोकेमोन आपके पास हो सकते हैं गाइस। तो ये मैं कुछ पोकेमोन आपको दिखाया जिनकी मेरे पास थोड़ी लिस्ट थी, बाकी आपके पास इससे भी कई ज़्यादा पोकेमोन्स हो सकते हैं। तो जुलाई का जो इवेंट है गाइस, वो काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुलाई का जो इवेंट में रिसर्च ब्रेक थ्रो इनकाउंटर में क्या मिलने वाला है। तो भाई, सबसे रेयर पोकेमोन है गाइस रफलेट, मतलब सबसे रेयर नहीं बट रेयर पोकेमोन्स में आता है रफलेट। तो गाइस, आप लोग को ये मिलेगा रफलेट। तो ये कैसे मिलेगा, रिसर्च ब्रेक थ्रो मिलेगा वही, और इसके साथ आपको मिलने वाला है फ्री रिमोट रेड पास। तो जो आपकी रिसर्च ब्रेक थ्रो कम्प्लीट होगी, जैसे कि जून में हो रही थी, सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो करना क्या, आपको फील्ड रिसर्च में ये स्टैम्प ड्यूटीज लगानी है गाइस। जैसे आपकी पूरी स्टैम्प ड्यूटी लगती है पूरे वीक की, आपको लास्ट में जब ये डिब्बा खुलेगा, ये जो डिब्बा बना हुआ है, तो यहाँ से आपको रफलेट मिलेगा प्लस आपको मिलेगा रिमोट रेड पास, ठीक है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट रेट्स में क्या आने वाला है। फाइव स्टार रेट्स में गाइस, अभी यहाँ पर तीन पोकेमोन रिवेल किए गए हैं। पहला पोकेमोन गाइस वो है जो कि मतलब जिसके सबसे ज़्यादा फैंस उसी पोकेमोन के मेरे ख्याल से। तो गैस करो, पहला पोकेमोन फाइव स्टार रेड में क्या है। जो गैस कर लेगा उसको मैं कंफर्म हट दूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो जिस दिन अपलोड की उस दिन देखी तो, अगर लेट हो गए तो भैया डेली हट नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो गाइस, फटाफट से देखो कौन क्या गैस करता है। चलिए गाइस, मैं बता देता हूँ आपको गाइस, यहाँ मिलेगा बिडुफ। पहला पोकेमोन गाइस आपको बिडुफ मिलने वाला है। ये वाला पोकेमोन आपको फाइव स्टार रेड में मिलने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट पोकेमोन क्या मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 1 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक, मिथिकल पोकेमोन है डिओक्सिस गाइस। डिफेंस फॉर्म उसकी आने वाली है फाइव स्टार रेट्स में। तो भाई लोगों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी पहले, तो जिन लोगों ने देख ली थी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी अच्छी बात है, क्योंकि चल तो गया ही पता। उसके बाद पोकेमोन को ने काफ़ी ईजी कर लिया है। 18 तारीख को जो रेट्स होने वाली है उनमें से अब आप दो पोकेमोन की रेट्स नहीं करोगे। पहला, आप रेगिगिगास की रेट नहीं करने वाले हो। दूसरा, आप गाइस म्यूटू की रेड नहीं करने वाले हो, क्योंकि म्यूटू गाइस आपको ऐसे ही मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है गाइस, 16 जुलाई से आपको ये 23 जुलाई तक आपको रेट्स में मिलने वाला है म्यूटू। तो जैसे कि मैंने दिखा दिया मेरे पास कितने म्यूटू हैं, अब इससे ज़्यादा म्यूटू आपके पास हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया गया पोकेमोन गो ने खुद ने गाइस, कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि गो बैटल में क्या होगा, क्या पोकेमोन्स मिलने वाले हैं गो बैटल के दिन 18 जुलाई को। मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स एक साथ गो बैटल में डाल दिए जाएं। तो यहाँ पर गो बैटल अगर आप लोग 18 जुलाई को खेलते हैं गो फेस्ट के दौरान, तो आपको मिलेगा गाइस सिर्फ और सिर्फ म्यूटू गाइस, क्योंकि म्यूटू होगा वो उस टाइम का लेजेंडरी पोकेमोन जो कि स्पेसिफिक फाइव स्टार रेड में रहेगा। तो म्यूटू आपको मिल जाएगा गाइस यहाँ पर। बाकी जितने भी लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं उनके लिए आपको रेड्स ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बाकी आप जब तक 18 जुलाई की, तब तक आप दो रिमोट रेड पास ऐसे ही इकट्ठे कर चुके होंगे, बाकी आप पोके कॉइन तो इकट्ठे कर ही रहे होंगे, है ना। 23 जुलाई के बाद जो भी लेजेंडरी पोकेमोन आएगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मेगा रेड्स में कितने लोग इंटरेस्टेड है मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट अगर आपको हुंडुम, गेंगार और चारिज़ार्ड पसंद है गाइस, तो आप लोगों के लिए मेगा रेड्स हैं, स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। रेड इवेंट्स
रेड इवेंट्स गाइस कुछ ऐसा सीन है कि डिफेंस फ्रॉम डिऑक्सिस का रेड इवेंट होगा 7 जुलाई को, 14th को भी गाइस डिफेंस फ्रॉम डिऑक्सिस का ही होगा, 21 जुलाई को गाइस म्यूटू का होगा और 28 वाले का भी अनाउंस नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, मैंने आपको चारिज़ार्ड दिखाया, बल्बा विनसोर दिखाया, स्क्वाटल का मतलब वही ब्लास्टोइज दिखाया, तो गाइस ये सब क्यों दिखाया मैंने, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार स्पॉटलाइट आवर बिल्कुल कैंटो बिगनर वाला हो रहा है गाइस। तो यहाँ पर आपको बल्बासोर का स्पॉटलाइट आवर देखने को मिलेगा 6 जुलाई को। मतलब आपको पता क्या करना है, आपको गाइस ये करना है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह पर जा जाकर स्पॉटलाइट आवर खेलना है, शाइनी बल्बासोर पकड़ना है गाइस। जितने भी दिव्य शक्ति वाले हैं उनको पता है उनका रूटीन क्या होने वाला है, उनको स्टार्टिंग करनी है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, इंडिया, ज़ारागोज़ा, अमेरिका, ऐसे घूमते घूमते पूरे दिन बल्बासोर पकड़ने हैं। मे बी शाइनी मिल जाए या फिर इतनी कैंडीज इकट्ठी हो जाए कि इन फ्यूचर गाइस क्या पता क्या हो जाए, है ना। उसके बाद गाइस चारमेंडर का है 13th of July, सेम प्रोसेस। स्क्वाटल का गाइस है 20th of July, तो मतलब आप लोग यहाँ पर एक्सेल स्क्वाटल भी बना सकते हैं गाइस। और 27 को है नट्टू काका का स्पॉटलाइट आवर। ओके बात, अब बात करते हैं गाइस कम्युनिटी डे के बारे में। सबको पता है, सबको पता है कि नहीं पता है, चलो जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पर आपको 3 जुलाई को कम्युनिटी डे देखने को मिलने वाला है जो कि है टैपिक का। आप लोग कमेंट करें कि इसका हम लोग इवेंट लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो गाइस ये सब तो मतलब एक साइड रखो, अब ये वाला जो पार्ट है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली गेम प्ले के लिए है गाइस। सबसे पहले मेरे पास 2 शाइनी रेगी गीगास हो गए, थैंक यू एवरीवन जो लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं गाइस। तो ये दोनों में लाइव स्ट्रीम में पकड़े और बिना रेट्स के पकड़े गाइस, ठीक है, GBL के थ्रू पकड़े, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जितने भी नए ट्रेनर्स हैं जिन लोगों ने ये गेम इस साल डाउनलोड किया गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, जिन लोगों ने भी ये गेम इस साल डाउनलोड किया या फिर पिछले साल अगस्त के बाद या अगस्त में डाउनलोड किया है, उन लोगों को गाइस एक काम करना पड़ेगा, अपनी स्पेशल रिसर्च डेली चेक करनी है 6 जुलाई के बाद से, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है। पोकेमॉन को हर साल आप लोगों के लिए स्पेशल बनाता है एक इवेंट जिसका नाम होता है जंप स्टार्ट इवेंट। जंप स्टार्ट इवेंट की क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या गाइस वो सुन लो गाइस, मैंने वैसे उसकी वीडियो बना रखी है, आई बटन पे चेक कर लेना उसकी वीडियो अगर चेक करनी है तो, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ गाइस। यहाँ पर आपको मिलेगा उस इवेंट में कन्फर्म बता रहा हूँ गाइस शाइनी ईवी गाइस, विश्वास नहीं है ना, मिलता है गाइस, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्पूफर लोगों को नहीं मिलती शाइनी ईवी, बट ये इवेंट ये रिसर्च आपको कन्फर्म शाइनी ईवी देगी अगर आप लोगों ने ये रिसर्च कम्प्लीट नहीं की है। उसके बाद गाइस आपको कन्फर्म मिलेगा ड्राटिनी विथ इनफ कैंडीज, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक ड्रैगनाइट होने वाला है, जितने भी लोग नए हैं उन लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा तो है कि पोकेमॉन गोस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ट्यूजडे 6 जुलाई 2021। तो इस रिसर्च में गाइस यही सब होता है। मे बी गाइस आपको टीम रॉकेट का एक नया इवेंट देखने को मिल जाए, लास्ट टाइम सुइकून आया था उस टाइम पे, इस साल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस गो बैटल नाइट है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, तो अभी मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद होगा पोकेमॉन गो फेस्ट, सबसे बड़ा इवेंट पोकेमॉन गो का। तो ये था इस ब्लॉग में गाइस, इस ब्लॉग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइस वो यही थी, डिफेंस फॉर्म ऑफ डिऑक्सिस स्पॉटलाइट आवर, मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट था, बाकी आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कमेंट कर सकते हो, कमेंट इज़ ऑलरेडी मतलब टोटली फ्री है यार। और एक और काम करना गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है गाइस, और आप लोगों ने ये ब्लॉग पहले से ही पढ़ रखा था बट यहाँ पर ज़्यादा समझ आ गया है, तो गाइस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको भी आप नूबड़ा समझते हो ना उनको शेयर करना, ठीक है। प्रो लोगों क्या करोगे शेयर, वो तो मतलब बाप को मत सिखा वाली बात है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जो भी है आगे।